हेलो, आज है Day 3। चित्तौड़गढ़ में हूँ मैं अभी। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है फोर्ट। आज पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जाते हैं फिर देखते हैं। मे बी तो घर वापस ले जाएंगे, आगे नहीं ले जाएंगे। मे बी, आई डोंट नो। जैसे कृष्ण की इच्छा जहाँ ले जाए वहाँ चले जाएंगे। और क्या, फिर पता नहीं मैं घूम पाऊँगा कि नहीं, कौन जाने। कृष्ण जाने और कौन। ओके, सो मिलते हैं। तोड़ दिए गए, दो बचे हैं। तो वो पहले बनाए गए थे, जो मेन प्रवेश द्वार थे वहीं से आना जाना होता था, वहीं से आक्रमण होता था। युद्ध का मैदान उधर ही बना हुआ है। मतलब ये जो अभी रोड है ये नया बनाया है? हाँ, ये रोड वगैरह नया है, और बाकी ये बाउंड्री वगैरह कुंभा के द्वारा नए गेट बनाए गए थे, तो ये बाद में बनाए गए क्योंकि उधर से सारे गेट तोड़ दिए गए थे, तो कुंभा ने फिर इधर से नए गेट बनाए। ये अपना लास्ट गेट है। अब कहाँ जाना? लेना रहेगा अपना। चार हेड है तो चार टिकट 40 रुपये का है, एक 40 रुपये पार्किंग का रहेगा।
को दर्शाता है। सामने जो आप देख रहे हैं लेक, तो ऐसे पूरी पहाड़ी पर 84 लेक है। 84 चौरासी पानी है अभी। हाँ, 84 गुंडे पूरी पहाड़ी पर, क्योंकि 113 मंदिर, 10-12 डैमेजेस, दो टावर, विजय स्तंभ, ज्योति स्तंभ, दीवारें वगैरह जो सभी बनाए गए, सारे पत्थर जो निकाले गए इसी पहाड़ी से निकाले गए, क्योंकि नीचे से तो लाएंगे नहीं, इसी पहाड़ी से निकाले गए। और जहाँ जहाँ से पत्थर निकले टोटल 84 गुंडे मिले। तो उस समय पानी की कभी कमी नहीं हुई। आपने देखा होगा जमीन में अंदर अंदर पानी चलता है। हाँ। तो टोटल 84 जो कुंड है एक दूसरे से इंटरनल लिंक है, तो जमीन में धीरे धीरे ढलाल क्षेत्र की तरफ पानी चलता है। तो इधर पूरा ढलाल बना हुआ, इसमें ऊपर से आ रहा है, उसमें ऊपर से आ रहा है, उसमें ऊपर से आ रहा है, सारे एक दूसरे से इंटरनल लिंक है। कितनी चीजें अंदर दबी हुई हो।
विष्णु का जो बड़ा अवतार होता है तीसरा अवतार सोर अवतार उनका मंदिर हुआ करता था। उनकी निशानी के तौर पर उनके सामने एक छतरी बना हुआ है पहले। हाँ, तो वह उनका वाहन बना हुआ है गरुड़ ब्लैक स्टोन में। अच्छा। जैसे महादेव के सामने नंदी होते हैं उसी तरीके से विष्णु जी के सामने उनका वाहन गरुड़ करवा है। तो जब इसमें तोड़फोड़ की गई अलाउद्दीन खिलजी के समय, मूर्ति वगैरह तोड़ी गई, मंदिर तोड़ा गया, तो फिर नई मूर्ति की स्थापना की गई, क्योंकि डैमेज मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए कुंभा के द्वारा नई मूर्ति की स्थापना की गई जो कि राधा कृष्ण और बलराम, इन नई मूर्ति की स्थापना की गई और कुंभा के द्वारा कृष्ण की स्थापना की गई, इसलिए इसको कुंभशाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका आप आगे से आर देखेंगे तो सोमनाथ की आकृति बनाया गया, पीछे का बैक साइड देखेंगे तो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी की आकृति बनाया गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के समय इसमें तोड़फोड़ की गई तो मूर्ति वगैरह तोड़ दी गई। तो आपने हमीर का नाम सुना होगा, राणा हमीर। तो हमीर ने अपना वापस शासन स्थापित किया, क्योंकि पद्मिनी और उनके किस्से के बाद उन्होंने अपना शासन स्थापित किया जो कि सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश की स्थापना करी उन्होंने, तो उस समय फिर कालिका माता की स्थापना करी। मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए इसलिए हमीर माता की मूर्त भी स्थापित कर रखी है। तो वापस जब आते थे तो उस कालिका माता की मूर्ति को वापस यहाँ स्थापित कर देते। Thank you.
लाइक मेज कि मैं बिटवीन भी मेज के अंदर हूँ ऐसा लग रहा है, बिटवीन ही पैलेस। ये अपना फ्रंट हुआ करता था, यही से आने जाना होता था। एक छोटी सी पहाड़ी देखेंगे सामने, तो उसका व्यू ऐसा बना हुआ है जैसे कोई सोया हुआ हो, तो उसको हम लोकल लैंग्वेज में कुंभकर्ण की पहाड़ी का नाम देते हैं। उसका शेप ऐसा बना हुआ है, वो सामने दिख रही है, हाँ, मुख बना हुआ है, पेट बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा लगता है। हाँ, मोड़ो देखा है गवर्नमेंट के द्वारा बिल्डिंग बनाई गई है, जो उस समय जो आदिवासी लोकल आर्ट जो बनाते थे रानी के लिए पोशाक वगैरह यानी साड़ी वगैरह जो बनाया जाता था वो, और एक मेडिकेट रजाई बनाया जाता था राजा के लिए पेन दर्द वगैरह के लिए, तो वो अभी भी बनाया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा वो बनाया गया ताकि जो लोकल आर्ट है वो चलता रहे और उनका गर्गस्थी भी चलता रहे, उसके हिसाब से वो बिल्डिंग बनाए गए हैं और सारा लोकल आर्ट अपने यहाँ मिलता है, वहाँ से बन के यहाँ सप्लाई होता है। अपन जो टिकट लेके आए उनमें से बात पे उनका डोनेशन में भी जाता है। ऐसा यहाँ पे युद्ध हुआ करता था, हाँ यही युद्ध हुआ करता था, ये अपना फ्रंट है। पहाड़ी के इस छोर पे अपन चलेंगे ना, सामने एक कीर्ति स्तंभ दिख रहा है, वो पर्टिकुलर ये कि बना हुआ है, बाकी एक दो मंदिर मिलेंगे, बाकी और कोई चीज़ नहीं बनी हुई है, क्योंकि ये अपना फ्रंट था। अगर शत्रु सेना ऊपर चढ़ के आए तो सामने पैलेस वगैरह नहीं मिलता, सारा बेक साइड में बना हुआ है, तो वो कुंभा के द्वारा बाद में नए गेट बनाए गए, इसलिए वो फ्रंट हो गया और ये बेक हो गया, बाकी फ्रंट ये हुआ करता। और यहाँ पर सीमेंट के प्लांट टोटल 7-8 प्लांट है, हाँ ये तो जिंक है लेकिन सीमेंट के प्लांट, क्योंकि माइन से बहुत सारी है, लाइम स्टोन पत्थर ज़्यादा है, तो क्या है 7-8 प्लांट जिंक के, मतलब इसके सीमेंट के है। तो बिरला के 2 प्लांट है, आदित्य और एमपी, और बाकी लापर्स का है, बंडर का है, जगह का है, टोटल मिला के 7-8 प्लांट इसके हैं, इसलिए सीमेंट हब भी बोला जाता है चित्तौड़गढ़ को। और 3 मार्बल मार्केट है, क्योंकि राजसमंद से मार्केट मार्बल निकलता है, लेकिन अपने यहाँ 3 मार्केट लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको मार्बल मंडी भी बोला जाता है। ये जो देखेंगे आप, ये महाभारत के समय का किला माना जाता है एक तरह से, क्योंकि पांडव जी थे उनमें से भीम के द्वारा लात मार के बनाया गया है, इसलिए इसको भीमरथ के नाम से जाना जाता है। और सामने महादेव का मंदिर है, पूरी पहाड़ी पर 113 मंदिर में सबसे ज़्यादा महादेव की मंदिर ही है। अच्छा, क्योंकि महादेव का अपना राजा मानते थे, खुद को इनका दीवान यानी सेवक बताते थे, जो सिंहासन रहता था वो खाली रहता था महादेव के लिए, बाकी वो दूसरे जो चेस वगैरह होती है उन पर बैठते थे राजा, सामने वाला सिंहासन महादेव के लिए खाली रहता था। वो जो आप त्रिमुखी मूर्त देख के आए थे, ऐसा मूर्त इसमें भी है, लेकिन मूर्त को भी डैमेज कर दिया गया, मंदिर को भी पूरा तोड़ दिया गया। ये अपना मेन गेट शुरू खोल के यहीं से आना जाना होता था, पूरा पत्थरों का रास्ता है, इधर भी टोटल 7 गेट है, उनमें से 2 बच्चे क्या है व्यू ऐसे, हाँ गेल व्यू मिलेगा, और बाकी पूरा पत्थरों का रास्ता है पुराना, नीचे से, हाँ नीचे से पत्थरों का रास्ता है, हाँ पैदल रास्ता है।